अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नमाज़ किचन। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत होंगे। व्यूअर्स आज हम अपने किचन में जो है वो क्रीमी पास्ता जो है वो बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस के साथ। और इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल करी, मैंने 3 कप जो है ये मैक्रोनीज लिए हैं, कम अज़ कम 4 टेबल स्पून जो है इसमें मैदा लिया है, क्रश्ड गाजर है, प्याज मैंने ली है दरमियाने साइज़ की, 1 कैप्सिकम ली है क्यूब्स में काट लिए मैंने, और लहसुन का पेस्ट लिया है, नमक लिया है, और साथ में धड़ा मिर्च है, काली मिर्च है, ये आपने हसबे जायका लेनी है। पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया हुआ था। इसमें सबसे पहले जो है हमने 1 चम्मच जो है ना आपने इसमें नमक ऐड कर देना है इसको बॉयल करने के लिए, और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है हमने वो ऐड कर देना है ताकि हमारा पास्ता जो आपस में जुड़े नहीं। इसके बाद व्यूअर्स तकरीबन पानी जैसे ही बॉयल होता है तो मैं इसमें ऑलमोस्ट ये गर्म हो चुका है फुल, इसमें हमने अपने मैक्रोनी ऐड कर देनी है और इसको हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। व्यूअर्स हमारा पास्ता जो है ये बॉईल हो चुका है, आप देख सकते हैं मैक्रोनी अच्छे तरीके से बॉईल हो गई हुई है। अब इसको मैंने स्ट्रेन कर लेना और इसके ऊपर ठंडा पानी आपने साथ ही डाल देना ताकि ये सेपरेट हो जाए और इसमें जो ये पानी है ये सारा साफ हो जाएगा इसमें से। व्यूअर्स पास्ता जो है मैंने पानी में से निकाल के तो रख दिया है, और एक तरफ हमने जो है लहसुन का पेस्ट जो है इसको हमने हल्का सा इसमें सौते कर लेना है ऑयल के अंदर। मैंने तकरीबन 1 चम्मच मैंने छोटा जो है ना ऑयल का लिया, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है आपने। व्यूअर्स लहसुन हमारा जो है ना वो अच्छे तरीके से सौते हो गया, अब हमने इसमें प्याज डाल के थोड़ा सा इसको भी करना है। इसी तरह हमने सारी सब्जियां जो है ना अपनी वो हल्की हल्की सौते कर लेनी है। व्यूअर्स प्याज हमारा डन हो चुका है, अब हमने इसके अंदर गाजर जो है वो ऐड कर देनी है और इसको भी हल्का सा हमने ऑयल में सौते कर लेना है। फिर उस गाजर के बाद हम इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करेंगे, ये छोटे साइज़ की 1 मैंने कट की हुई है और 1/2 मैंने गाजर क्रश की थी, इसको भी हमने हल्का सा इस तरह सौते कर लेना है। और इसके अंदर हमने थोड़ा सा स्पाइस जो है इसमें नमक और सिर्फ मैंने काली मिर्च थोड़ी थोड़ी ऐड करनी है हमने। फिर वेजिटेबल हमारी तैयार हो गई हैं, इसके बाद हम जो है अपनी वाइट सॉस जो है उसको तैयार करेंगे। व्यूअर्स कढ़ाई में मैंने जो है ये बटर के 2 पीस मैंने ले लिए हैं, इसको हमने अच्छे तरीके से जो है मेल्ट कर लेना है। व्यूअर्स बटर हमारा जो है वो मेल्ट हो गया, इसमें हमने जो है मैदा ऑल पर्पज फ्लोर जो है इसको ऐड कर लेना है, और इसमें आपने हल्की ज़्यादा आंच नहीं रखनी, तकरीबन आपकी आंच जो है ना ये लो से थोड़ा सा हाई फ्लेम होना चाहिए, इसको हमने ब्राउन नहीं करना, थोड़ी ये वाइट फॉर्म में ही होगा। और अच्छे तरीके से इसको हमने व्यूअर्स मैदा हमारा भुन चुका है और इसमें थोड़ा सा मुझे बटर कम लगा था, मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया था क्योंकि इसमें बटर जितना होगा ना उतना टेस्टी सॉस बनेगी। जब इस तरह का हो जाए तो आपने साथ साथ जो है इसमें स्पून चलाना है, और मैंने स्टार्ट में बताना भूल गई थी इसमें आपने ऑयल ये सॉरी मिल्क जो है 1 कप ऐड करना है और इसको साथ साथ आपने विस्कर की मदद से खिलाते जाना है ताकि इसके लम्ब्स ना बने अंदर। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएं आप। व्यूअर्स ये देखिए हमारी जो सॉस है वाइट सॉस किस तरह इसका टेक्सचर है आप देख सकते हैं इसको, और इसके साथ ही फिर हमने इसमें जो अपने बाकी स्पाइस थोड़े थोड़े ऐड कर लेने हैं, जो काली मिर्च है ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, हसबे जायका आप इस्तेमाल कर ले। वैसे मैंने ये 1 टीस्पून जो है फुल वो लिया और नमक भी मैंने इसी तरह ही लिया था। इसके बाद हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और हमारी जो सॉस है तकरीबन ये गाढ़ी हो चुकी है अच्छे तरीके से, और इसको मैं आपको इसका दिखाती हूँ कि ये किस तरह की होनी चाहिए। व्यूअर्स हमारी सॉस जो है वो तैयार हो चुकी है, ये देखें हम स्पून की बैक साइड लगाएंगे इसके साथ, इस तरह जो है ना ये लगनी चाहिए और आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल तैयार होगी। अब इसके अंदर जो है सबसे पहले हमने मैक्रोनी ऐड करनी है, बस ये देखिए मैंने इसमें मैक्रोनी ऐड कर दी है, स्पून चला के आपने सारी जो सॉस है इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्सअप कर देनी है। जब हमारी पास्ते के ऊपर सारी लग जाएगी ये सॉस, इसके बाद हमने अपनी वेजिटेबल्स जो रेडी की हुई थी इनको ऐड कर लेना है, और इनको भी स्पून अच्छे तरीके से चला के आपने इसको मिक्सअप कर देना है स्पेशला की मदद से।
इतनी ज़बरदस्त हमारी मैक्रोनी जो है वो तैयार हो रही है। वीवर्स इस पर मैं थोड़ी सी चीज़ जो है इसको क्रश कर रही हूँ। इसको आप सॉस के अंदर डाल के जब पका रहे तो उसके अंदर भी डाल सकते हैं। ये 1/4 कप जो है ना कम अज़ कम होनी चाहिए आपकी। वीवर्स ये कि मैंने चीज़ वगैरह और वेजिटेबल डाल के सारा कुछ इसको ऐड कर लिया है और इसको मिक्सअप कर दिया है। और ये देखिए कितना क्रीमी और ज़बरदस्त किस्म का पास्ता जो हमारा तैयार हो गया है। और वीवर्स हमारी रेसिपी जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जो है आपको बरवक्त मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।